अभी अगर आपको क्रिकेट की बात करें, एशियन क्रिकेट की अगर बात करें, तो इस वक्त जो है एशिया सब रीजनल क्वालिफायर ए जो लगातार चल रहा है, और कल 3 मैचेस हुए, आज भी 3 मैचेस होने हैं, और ये टूर्नामेंट जिसके बारे में सारे अपडेट्स हम आपको लगातार प्रोवाइड करा ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अभी जो नेक्स्ट टू बिग, अगर आप बात करें एक्शन क्रिकेट एक्शन की बात करें एसोसिएट में, तो जो नेक्स्ट टू बिग एक्शन है वो नो डाउट नेपाल टूर ऑफ श्रीलंका, जो कि कल ही कहीं ना कहीं बिल्कुल अनाउंस किया बिल्कुल गया कैन की तरफ से, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ स्कॉटलैंड। जी हाँ, क्योंकि उसके बाद हमने इसलिए कहा क्योंकि उनके उनकी जो डेट्स हैं वो एक दिन बाद होगी, क्योंकि श्रीलंका नेपाल वर्सेज श्रीलंका एक दिन पहले शुरू हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट डे पर स्कॉटलैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैचेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये दो जो क्रिकेट एक्शन है वो अभी हमें देखने को मिलने वाले हैं सब रीजनल ए क्वालिफायर के बाद की अगर हम बात करें। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कल जो अनाउंसमेंट हुई नेपाल टूर ऑफ श्रीलंका की। इस टूर में नो डाउट कि नेपाल जो है वो श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाफ खेलता हुआ नजर आएगा। श्रीलंका की डेवलपमेंट स्क्वाड है वो डेवलपमेंट स्क्वाड किस तरह की हो सकती है उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको हम जरूर बताएंगे। और एंड सबसे पहले नेपाल ने जब अपनी स्क्वाड अनाउंस की है वो नाम जान लेते हैं। ऑब्वियसली आप सब ऑलरेडी जानते हैं, कल हमने वीडियो कम्युनिटी में भी वो चीज अपडेट की थी, लेकिन फिर भी एक बार वापस से रिपीट करेंगे नाम कौन कौन से इस श्रीलंका टूर में जाने वाले हैं। जरूर देखिए, अगर हम देखें 19 नाम थे, अगर 19 नेम्स थे, उसमें से रोहित पुड़ैल और दीपेंद्र सिंह ऐरी होंगे नहीं, तो अगर हम बाकी नाम पर गौर करें, आसिफ शेख, अनिल शाह, देव खनल, भीम शारकी, आरिफ शेख, कुशल मल्ला, सोमपाल कामी, करण केसी, गुलशन झा, रीजन ढकल, ललित राजवंशी, आकाश चंद, सागर ढकल, संदीप जोरा, कुशल भुरतैल, अर्जुन साउ और संदीप लाभिचानी। तो ये नाम है जो रहने वाले हैं इन 3 ODI 50 ओवर मैचेस में श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये स्क्वाड पे नाम होने वाले हैं, कुछ नाम जो है जिन पे खासा यहाँ पर नजर जो रहेगी। तो अगर आप देखें तो जैसे कि आप बात करें आकाश चंद, आकाश चंद पे नजर रहेगी कि आखिर वो किस तरह से इन मैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं और किस तरह की उनकी लाइन लेंथ वगैरह देव रहती है। खनल, जी हाँ, देव खनल पे बहुत ही जी हाँ मैं एनओसी पे आने वाला था, देव खनल पे नजर आए डेफिनेटली रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि थोड़ा सा देखा गया है वो जब भी टीम में आए बहुत कम मौकों के लिए आए हैं, जी लेकिन हाँ उतना अच्छा उन्होंने क्रिकेट खेला नहीं है जब भी उन्हें मौका मिला हो, क्योंकि कम मौकों में बहुत कम ही प्लेयर होते हैं जो मौके को भुना पाते जी हैं। हाँ तो उम्मीद रहेगी कि देव खनल को यहाँ मौके फिर से मिल रहे हैं, तो इस 3 गेम में अगर उन्हें मौके मिलते हैं, बैटिंग ऑर्डर में अच्छी जगह पर वो आए, बैटिंग करें, ओवर पड़े हुए हैं, तो चाहेंगे कि उसका यूटिलाइज भर भर कर वो इस 3 मैचों में करें। बिल्कुल, एक और नाम जिसपे सीधे नजर जाएगी यहाँ पर तो वो है अर्जुन सौद। अर्जुन सौद की परफॉर्मेंस आखिर वो किस तरह से करते हैं, कैसे वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुश्किल बहुत ज्यादा है उनके लिए, क्योंकि आसिफ शेख वहां पर टीम में ऑलरेडी एज अ विकेट कीपर है, और उनके साथ जो फिर एक और जो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर है वो है अनिल शाह, वो भी टीम के साथ जी जुड़े हुए हाँ हैं और वो भी पूरी उम्मीद है स्क्वाड में जाएंगे, तो उसके बीच में जगह बना पाना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नो डाउट टीम के साथ जुड़े हुए हैं, बने जी हुए हाँ हैं, जी तो मैचेस खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो भी उनको मौके यहाँ मिले उसमें वो किस तरह से बैटिंग करते हैं, क्या इंप्रेसिव करते हैं, वो देखने पर नजर यहाँ पर जरूर रहेगी। और बाकी सब प्लेयर्स तो ऑब्वियस है, बिल्कुल उनके बारे में क्या बात करनी, उसमें ज्यादातर प्लेयर्स आप जानते हैं कि स्क्वाड में जाने वाले हैं। चलिए अब डेट्स की जहां तक बात है यहाँ, तो डेट्स की अगर बात करें तो 3, 5 और 7 बिल्कुल ये इनमें मैचेस होने हैं, और जो बाकी बीच में जो डेज होंगे जैसे 2 उसके बाद हम बात करें 4 तारीख और छह 6 तारीख इनमें जो है प्रैक्टिस वगैरह बिल्कुल गेम्स करेंगे, और बाकी नेक्स्ट डे पर 50 ओवर का जो मैच है श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाफ वो हमें देखने को मिलेगा 9:30 बजे। जी हाँ बेस्ट टाइमिंग्स होंगी 9:30 बजे, क्योंकि टेस्ट मैच होना है तो बिल्कुल 4-5 बजे तक कहीं ना कहीं कम्प्लीट हो जाएगा। एंड डेवलपमेंट स्क्वाड के बारे में कुछ आप बताएंगे कि श्रीलंका की जो डेवलपमेंट स्क्वाड रहेगी वो किस तरह की हमें देखने को मिल सकती है। रिसेंटली जो अभी श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड जो सबसे रिसेंट अभी सीरीजेस खेली है वो हांगकांग के खिलाफ मैचेस खेली, श्रीलंका की इमर्जिंग टीम थी लेकिन डेवलपमेंट स्क्वाड के कुछ प्लेयर्स जो इंक्लूडेड थे, और युगांडा के खिलाफ जो T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन में उनके खिलाफ भी उस टीम ने हेल्प की थी। श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड की जो सूरत हाल है वो किस तरीके का हमें देखने को मिल सकता है, प्लेयर्स के कुछ नाम। जरूर देखिए, युगांडा ने 2 दौरे किए थे श्रीलंका के, और एक फरवरी में किया था 2024 और एक अप्रैल में किया था 2024 वर्ल्ड कप से पहले, 2 दौरे थे। फिर उसके बाद अभी हांगकांग में, हांगकांग ने भी इमर्जिंग टीम का दौरा किया था लेकिन वहां कुछ डेवलपमेंट प्लेयर कुछ थे, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम देखें स्क्वाड को 15 जने, अगर हम डेली क्रिकेट के मुताबिक अगर हम देखें एक स्पेकुलेशन के तहत, बिल्कुल एक देखिए अगर कि कौन से प्लेयर थे जो वहाँ युगांडा के खिलाफ खेले थे, जैसे कि आप कृष्ण सांजुला, थरेंडू रत्नायके, दिनोरा कालू पहाना, निपुण धनंजया, चमंडू विक्रमा सिंघे, कमिल मिसारा विकेट कीपर हैं, माहिशा थरुपति, लासित क्रॉसपल्ले, लक्षण संदाकन, अर्श अश 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 अ
अयाना श्रीवर्धना, इसीता विजु सुंदरा, मुदिता लक्षण और नोवेंडू फर्नांडो। कुछ नाम तो ऑब्वियस है तो यहाँ से भी नजर आ रहा है, उसके बारे में आप जरूर पूछूंगा कि इसमें से नाम कौन सा ऑब्वियस है जो 100% श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड में नजर आ सकते हैं। ये जो स्क्वाड आप देख रहे हैं ये युगांडा के खिलाफ खेल रहे हैं, डेफिनेटली आप सोचेंगे युगांडा के खिलाफ T20 गेम्स थे, लेकिन श्रीलंकन डेवलपमेंट स्क्वाड में इसको लेकर आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे अनलेस श्रीलंका ए के कुछ प्लेयर्स यहाँ खेल पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के ए प्लेयर्स के खिलाफ ए प्लेयर्स अगर यहाँ होती तो डेफिनेटली वहां से हमें कुछ नाम इस सीरीज में मिल सकते थे, लेकिन यहाँ श्रीलंका ए साइड नहीं वो है नहीं, वो साउथ अफ्रीका के दौरे में गए हैं, वहां पर बिजी हैं अभी, वरना अगर ए साइड फ्री होती तो ऑब्वियसली यहाँ कुछ नाम वहां से होते हैं। बिल्कुल, और शायद ए साइड के खिलाफ ही मैच देखता हूँ, ए साइड के खिलाफ हम मैच देखते हैं, वहां पर कुछ प्लेयर होते हैं वहां पर और ज्यादा, लेकिन वो है नहीं, वो साउथ अफ्रीका के दौरे में। बिल्कुल, तो ये 15 नाम है, इनमें से कुछ जा सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको हांगकांग के खिलाफ जो अभी रिसेंटली सीरीज हुई थी उसमें कौन से प्लेयर श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड्स में से थे एंड पहले वो नाम भी बताएंगे, फिर मैं ओवरऑल आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन से नेम है जो बहुत ही ऑब्वियस है श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड में हमें खेलते हुए नजर आ सकते। नहीं जरूर, देखिए हांगकांग के खिलाफ जो खेले थे कुछ प्लेयर्स, इनमें रविंदुर रसंथा, मोहम्मद शमाज, गरुका सनेत, असंका मनोज, सिथुन देसनायके, रॉन चंद्रगुप्ता और शशांक फर्नांडो, और एक जना और थे मुदिता लक्षण, जो कि हमने 15 नाम गिनाए हैं आपको, उसमें भी वो थे जो युगांडा के खिलाफ बहुत डेवलपमेंट स्क्वाड में रहे और इस हांगकांग टीम के खिलाफ भी खेले। बिल्कुल, अब यार इस पूरे लिस्ट में आप जरा बताएंगे कि कौन से नाम आपको लगते हैं कि जो हाँ ऑफिस है जो कि हमें श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड नेपाल के खिलाफ खेलेगी उसमें भी रह सकते हैं, इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे नाम जो ऑब्वियस है कि 100% ये तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी भले ही ना रहे। जी जरूर, देखिए एक है आपके चमिंडू विक्रमा सिंह, कमिल मिसारा जो विकेट कीपर है, लासित क्रॉस पल्ले, लक्षण संधाकर जरूर होंगे, बिल्कुल असन भंडारा, ये सब नेशनल प्लेयर्स। और उसके बाद हम बात करें आपके सीधा हम आएंगे मुदिता लक्षण, वो हर दौर वो हर जगह खेल रहे हैं, और नोवेंडो फर्नांडो ये कप्तान भी रहे थे युगांडा के खिलाफ जो सीरीज हुई थी अप्रैल में, उसके ये उस दौरे के ये कप्तान थे श्रीलंकन डेवलपमेंट स्क्वाड के, और इन प्लेयर्स की एक उम्मीद है। कृष्ण सांजुला लगातार ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं डेवलपमेंट स्क्वाड की तरफ से, उम्मीद रहेगी कि शायद अगर ये आए, वरना क्यों, क्योंकि उम्मीद हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट स्क्वाड बोर्ड बहुत बदलता है जी, बोर्ड बहुत बदलता है डेवलपमेंट स्क्वाड ये नहीं है कि साल के लिए फिक्स कर दिया जाता जी है, ऐसा ए साइड फिक्स होती है, वो ए साइड फिक्स होती है, वो दौरों में जाती है अलग अलग साल में, लेकिन डेवलपमेंट स्क्वाड में उन प्लेयर्स को लिया जाता है जो बहुत ही यंग आए हैं, अंडर 19 के पुराने प्लेयर्स रहे हैं जो लास्ट बैच में खेले थे और जो डोमेस्टिक में बहुत निचले स्तर पर अभी कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नेशनल प्लेयर्स थे जो 3-4-5 मैच खेलकर उसके बाद टीम से कई सालों के लिए बाहर हो गए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं चीजें निकल कर होती है, डेवलपमेंट स्क्वाड में चेंजिंग वगैरह आप लगातार देख रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो फिक्स वाली बात होती है वो ए साइड पे होती है, ए साइड को लगभग 9-10 नाम टीम लगातार साल दर साल एक ही पकड़ कर चलती है, आप कोई भी फुल मेंबर्स के ए साइड को उठाकर देखेंगे एक साल की लगभग वही टीम लेकर वो चलते हैं, एक आध चेंजेस होते हैं, और तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड जो जिसमें से कुछ आप जो है श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड में रह सकते हैं, श्रीलंका की ए साइड अगर यहाँ पर होती तो डेफिनेटली हमें उसमें से कुछ प्लेयर यहाँ पर देखने को जरूर मिलते जो कि और बेहतर होता, लेकिन चलिए श्रीलंका डेवलपमेंट क्लब ये मैचेस होने हैं, क्या पता है साल के खिलाफ ही नेपाल की सीरीज हो जाती है, श्रीलंका यहाँ पर फ्री होती, तो ये पूरा हाल है, सूरत हाल है नेपाल टूर ऑफ श्रीलंका का, 3, 5 और 7 मैचेस होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग भी उम्मीद तो पूरी है, पूरी है। नेपाल जब जा रहे हैं तो डेफिनेटली लाइव स्ट्रीमिंग शायद हमें देखने को जरूर मिले, बाकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्या नहीं वो अनाउंस करेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह होंगी या फिर नहीं होगी। तो चलिए उसके बाद एक और टूर की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ स्कॉटलैंड, इसकी भी बहुत जोर से चर्चा है इस वक्त में, अगर हम बात करें और जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जुड़ेगी तो डेफिनेटली सिर्फ एसोसिएट में चर्चा नहीं रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफिशियल T20I मैचेस यहाँ पर खेलने वाली है। एंड ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले जो स्क्वाड यहाँ पर आई थी शुरू में उसके बाद दो चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, अब वो स्क्वाड नहीं रही, उसमें से दो चेंजेस हमें देखने को मिले, खास करके बॉलिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस देखने को मिले हैं, तो ये सामने पूरी स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया की। एंड क्या लगता है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड है डेफिनेटली बहुत ज्यादा कैपेबल है स्कॉटलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने को लेकर या स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया ने इतनी इतनी अच्छी स्क्वाड
अनाउंस किए हैं। वर्ल्ड कप विनिंग के प्लेयर्स हैं यहाँ पर, अगर हम देखें आपकी जगह वर्ल्ड कप प्लेयर्स यहाँ पर हैं मौजूद, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। आप देखें मिचेल मार्श कप्तान है, वो वर्ल्ड कप विनिंग के भी हैं। जी हाँ, वो वर्ल्ड कप बहुत बड़े हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, इस T20 फॉर्मेट में तो बहुत ही बड़े हैं। मिचेल मार्श है, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, टिम डेविड, नाथन एलिस, जैक फ्रेसन, मैगर, तब ये हमें काफी ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। हिटर तो सॉलिड है, हाँ, अगर चल गए तो फिर बहुत वाकई खतरनाक हो सकते, बहुत ज्यादा। कैमरून ग्रीन, एरॉन हार्डी, ट्रेविस हेड, नाम लेना ही काफी है, जॉस इंग्लिश, रैली मेरेडिथ, मार्कस स्टॉइनिस और एडम जाम्बा। तो आप देखें 4-5 प्लेयर तो हमें अवल लेवल के नजर आ रहे हैं इसमें, बिल्कुल स्टार प्लेयर है वो, सुपर स्टार प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल, अगर आप यहीं पर देखें मिचेल मार्श, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, मिचेल मार्श, टिम डेविड, जैक फ्रेसर, मैगन, उसके बाद स्टॉनिस और ट्रेविस है, एडम जाम्पा, ये पांच नाम बैटिंग की भी बात है। ऊपर से अगर आप पांच नामों को देखें, ये एक तरह से किलाई टाइप का है, अगर ये चले और इसमें से अगर तीन भी चले तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत डेंजरस स्कोर कर दे सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी स्क्वाड भेजी है, ये नहीं किसी को भी भेज दिया, अच्छी स्क्वाड भेजी है, उसके लिए थैंक्स तो बनता है, बहुत सही कहा थैंक्स। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ प्लेयर बचे हैं वो बिग बैश के बहुत बड़े प्लेयर हैं, लीग्स में खेल चुके हैं, रैली मेरेडिथ की अगर हम बात करें, बिल्कुल नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर, नहीं माफ, स्पेंसर जॉनसन अब नहीं है, जी हाँ, रियल मेरेडिथ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सीन अवॉर्ड, तो नेशनल में भी आ चुके हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, तो बहुत अच्छे एक बैलेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया ने उतारी है अपनी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, ना कि कोई भी प्लेयर डेवलपमेंट का ये भर भर कर, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया ने भेजा है स्कॉटलैंड के दौरान। बिल्कुल, तो चलिए दादे, और सबसे बड़ी बात कि उनके जो मेन सीनियर कप्तान है, जो ऑफिशियल कैप्टन है, वो आ रहे हैं, बस बस में ये और ज्यादा बेहतरीन होता है कि वो खुद आ रहे हैं एज ए कैप्टन यहाँ पर इस टीम को लीड करने के लिए। तो बहुत अच्छी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर भेजी है इस दौरे में, जहां पर हमें 4, 5 और 6 यही 3 डेट्स है जहां पर T20 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। बहुत इंतजार है इन मैचेस का भी, क्योंकि बहुत स्कॉटलैंड जो अपने अपने घर में है, उनकी भी स्क्वाड अच्छी है, देखना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और कहीं ना कहीं अच्छे रन भी उन्होंने किए, एक अच्छा मैच हो सकता है, देखना पड़ेगा कि स्कॉटलैंड किस तरह से टक्कर देता है और क्या कुछ कर पाता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा पाता है या फिर नहीं, क्या चीजें होंगी देखते ही बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, बाकी सारी अपडेट्स और डिस्कशन चलती रहेंगी इन दो टूर के बारे में, कम्युनिटीज वगैरह में। लेकिन फिलहाल इस वीडियो से यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते थे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ इकलौता प्लेटफॉर्म है, एसोसिएट में इकलौता डेस्टिनेशन है, जहां पर आपको कंप्लीट एसोसिएट क्रिकेट अपडेट एक ही छत के नीचे आकर मिल जाता है।